नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के वर्क डिवीज़न में क्या अंतर होता है, सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, कितने दिन की वर्किंग है, टाइम क्या है, कब जाना है, कहाँ पर पोस्टिंग इनको मिलती है, सब कुछ डिटेल मैं आपको बताऊँगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं और लखनऊ में पोस्टिंग चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसके फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म फिल कर दीजिए, पहले OTR करना होगा, उसके बाद से आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट आया है। RO की पोस्ट आई है, 300+ पोस्ट आपकी RO की है। अभी और पोस्ट उसमें इंक्रीज होंगी, ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि ये पोस्ट बढ़ के आपको कहीं ना कहीं 500+ 600+ जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। टीम के द्वारा एक बेहतरीन प्री टारगेट एकदम बैच चलाया जा रहा है, जो मात्र बहुत मिनिमम शुल्क में है, जिसमें आपको वीडियो क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये अभी ऑफर में चल रहा है, 592 में ये टारगेट बैच है, आप पूरा बैच ले सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज आपके फुल लेंथ भी रहेंगे, सेक्शनल भी रहेंगे, पूरी बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके या live.parikshaplus.org के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है live.parikshaplus.org, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, चाहे नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में वेतनमान क्या होता है, इनकी पोस्टिंग कैसे होती है, क्या इनका कार्यभार होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो RO है, ये गेजेटेड ऑफिसर है, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, और इनका पे लेबल जो मैट्रिक्स होता है ना, पे लेबल की जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम बात करें तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये पे मैट्रिक्स की बात करें तो बेसिक जो इनका स्टार्ट होता है 47,600 से लेकर 151,100 तक ये बेसिक चलेगा, उस पर जितने भी अलाउंसेस हैं वो लगते हैं। तो जैसे ग्रेड पे इनकी 4800 की है, गेजेटेड ऑफिसर मैंने आपको बताया ही। अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो बेसिक पे, अगर आप पहले जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपका जो बेसिक लगेगा ना, सेम 47,600 लगेगा, और जब तक आप जाओगे इस पोस्ट पे रहोगे, ये आपका इतना यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिक आपका वेरी करेगा। DA अब जो है 42% है, पहले 38% था, अब 42% है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 42% आप इसका लिखोगे तो 19,992, सिर्फ महंगाई भत्ता ही, एक छोटा सा वर्कर अगर हम बात करें सिंपल 20,000 के अप्रोक्स आपका महंगाई भत्ता मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक। उसके बाद से HRA, अब ये आपको डिपेंड करता है, क्योंकि लोक यहाँ पे लोक सेवा आयोग के द्वारा जो RO की भर्ती कराई जाती है, लखनऊ में आवास भी है समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर आप आवास लेते हो, क्योंकि सबको मिलता नहीं है, तो इसलिए वो लोग अलाउंसेस ही दे देते हैं, जिन्हें मिल जाता है कुछ सोर्स पानी से, तो यहाँ पे आपको ये 5600 मिलेगा। अगर आप आवास में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चारे होता है। फिर एक सचिवालय भत्ता होता है, ठीक है। सचिवालय भत्ता आपको जनरली 1300 रुपया मिलता है, ये दोनों को सेम मिलता है, RO हो चाहे ARO हो। उसके बाद से आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, एक दो और भत्ता मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनती है वो, क्योंकि आपको रहना है यहीं पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं है इनमें, तो ये ग्रॉस सैलरी आपकी 74,492 रुपया बनती है। ये ग्रॉस सैलरी है, ये ध्यान रखिएगा ओवरऑल। अब इसमें आपकी कटौती होगी, क्या होती है, जो बेसिक पे और DA जो होता है आपका, उसका 10% आपका नेशनल पेंशन स्कीम के तहत काटा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6,760 रुपये आपका डिडक्ट हो गया इसमें। उसके बाद से एक इंश्योरेंस कटता है आप लोगों का, मेडिकली इंश्योरेंस 210 रुपया कटता है ये। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कटने के बाद इन हैंड सैलरी आपको जो मिलती है वो 67,522 रुपया, मतलब 68,000 के आसपास आपको पहले बार इन हैंड सैलरी मिलेगी सब कुछ काट के। बाकी आप इनकम टैक्स वाला, वो तो जब आप भरोगे अपना ITR फाइल करोगे,
तो आप अपने खर्चे और जो भी सेविंग है वो उस हिसाब से आपका टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो आप बचत कर सकते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने जो भी है होम लोन लिया कुछ भी, वो सब चीज़ें वो मैनेज हो जाती हैं कि आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो नहीं, वो तो सब बात की बात है। लेकिन जो सैलरी आपको मिलेगी वो 67,522 ऑलमोस्ट 68,000 के अप्रॉक्स आपकी सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग पे सैलरी मिलेगी। तो ये तो आरोग्य हो गई, समीक्षा अधिकारी की बात हो गई। इसके लिए कौन कौन से लोग तैयारी कर सकते हैं, तो भाई सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 से 40 बीच का उम्र होना चाहिए, बाकी ओबीसी और एससी एसटी को जो है छूट मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें प्री और मेंस है। प्री आपका जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान रखना इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, जिसमें जीएस और हिंदी पूछा जाता है। 140 क्वेश्चन इसके होते हैं और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मेंस आपका होता है हिंदी होता है डिस्क्रिप्टिव, फिर जीएस होता है, फिर ऐसे क्या होता है, और जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके मेंस के अकॉर्डिंग बनती है, किसमें, आरओ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्टिंग आपकी लखनऊ, और सबसे ज्यादा पद क्योंकि सचिवालय के होते हैं तो पोस्टिंग आपकी लखनऊ में ही रहेगी, बाकी जो लोक सेवा आयोग वाला है उसमें आपको प्रयागराज भी मिलेगा। जॉब टाइमिंग 9:30 से आपके 5 बजे तक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बस सप्ताह में 5 दिन वर्क करना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि वर्क क्या है समीक्षा अधिकारी की। तो समीक्षा अधिकारी का जो वर्क है वो शासन का हिस्सा होता है, इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित, जैसे नीति निर्माण, कोई भी नया नीति बनना है तो उसका निर्माण में ये भागीदारी होते हैं। दूसरी बात कि जैसे मान लो किसी का भी पत्र आता है, कोई लेटर आता है, कोई भी किसी अधिकारी का हो या किसी आम आदमी का ही हो, किसी को भेजा गया है शासन को, किसी विभाग को भेजा गया है, तो जब वो पत्र आता है तो जैसे मान लो एक आम इंसान, मैं अगर कोई पत्र लिखता हूँ कि मुझे किसी चीज़ की जो भी है जरूरत हो गया, चाहे मेरे कोई भी ऐसे स्कीम का मुझे फायदा नहीं मिला, एक आम नागरिक हूं और मैं सरकार से अपना गुहार लगाना चाहता हूं, उस एक तरह से विभाग को पत्र लिखना चाहता हूं, तो उस विभाग को जब लिखूंगा पत्र तो अपनी भाषा में लिखूंगा, तो वो जब पत्र वहां पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद उसकी क्या की जाती है, उसकी नोटिंग की जाती है, मतलब उस पर टिप्पणी करने का कार्य जो होता है। ये कार्य क्या है, टिप्पणी करना, नोटिंग होता क्या है, नोटिंग बेसिकली जो आम भाषा में लिखा गया एक पत्र है उसको एक बोला जाए कि सरकारी भाषा, जो लेटर की भाषा होना चाहिए, जो एक शासन की भाषा चलती है, ठीक है, शब्दावलियां चलती हैं, उनमें उसको कन्वर्ट करना, तो वो कार्य आपके समीक्षा अधिकारी, इसीलिए तो आपके मेंस के पेपर में लेटर वाला जो पार्ट है इसीलिए रखा गया कि जो आपके नॉर्मल्स लेटर आते हैं आप उसकी नोटिंग करते हैं, मतलब क्योंकि वो पत्र आपके अधिकारी जो आप एक तरह से बोलो विभाग के सचिव हैं, उप सचिव हैं, उन तक जाता है, कभी कभी कोई लेटर जो है मुख्यमंत्री तक जाता है, तो वो लेटर एक सुचारू रूप से हो, सही ढंग से हो, तब उसको आगे प्रोसीड किया जाए, तो इसीलिए पहले समीक्षा अधिकारी उस पर टिप्पणी करते हैं, नोटिंग करते हैं, वही कार्य, मतलब एक आम भाषा को शासन की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, जैसा आप लोग पढ़ते मेंस के सिलेबस में आप पढ़ोगे ये सब आपको बताया जाएगा, आलेख किया जाएगा, और ई ऑफिस का मतलब हो गया कि कुछ कार्य आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, इन द सेंस आप बैठे बैठे यहां से जो भी होगा मेल होगा चाहे उसके थ्रू आप कोई भी लेटर फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम चीजें अब आज के समय में जब इंटरनेट का दुनिया हो गया है तो जाहिर सी बात है कुछ कार्य आपके अब ये हो गए। अब ये जितने भी कार्य होंगे, जो भी पत्र है उसको, जैसे आपका सिंपल लैंग्वेज में है, अब उसको शासकीय भाषा में एक तरह से बोला जाए सरकारी भाषा में कन्वर्ट करना है, तो वो टाइपिंग वाला कार्य कौन करेगा, आपके जो नीचे रहेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, आपके सहायक, ठीक है। तो बस यही है, दोनों समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से इनका काम क्या है, डीएम एसडीएम ट्रांसफर इत्यादि निर्धारित करते हैं। जो बड़े बड़े डीएम है, एसडीएम है, आईपीएस है, इन सब की जो पोस्टिंग होती है ना, बड़े बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, इनके जो ट्रांसफर होते हैं वो भी इनके हाथ में होते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग टाइप के ट्रांसफर इनको सौंपा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा इन्हीं के हाथ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो पावर आप देख लिए कि पावर कहाँ तक है, डीएम तक है, एसडीएम तक है, और जो पत्र है कार्यालय, अगर मुख्यमंत्री जानते हो सचिवालय में पंचम तल के पास अगर आप हो तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री तक पहुंच है, तो पावर सीधे कहोगे कि अरे हम पंचम तल से बोल रहे हैं सचिवालय से, वैसे हर जगह हड़क जाएंगे सब, ठीक है, यहां आ जाइए। उसके बाद से हम एआरओ के सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आपके समीक्षा अधिकारी की सहायता के लिए होते हैं, इसीलिए इनको सहायक समीक्षा अधिकारी। लेवल 7 होता है इनका, पे मैट्रिक्स बहुत ज्यादा कम नहीं है, ऑलमोस्ट
3-4 हजार रुपए का अंतर पड़ता है सैलरी में, 44,900 से लेकर 1,42,400 ये आपका पे मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पर ग्रेड पे जो होता है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये। अब हम बात करते हैं, जैसे यहां पर जो बेसिक बनेगा आपका 44,900 बनेगा, डीए आपका उसी हिसाब से 42% इसका 18,858, आपको एचआरए ऑलमोस्ट 5200 के अप्रोक्स, 5,5200 के अप्रोक्स मिलता है, उसके बाद से सचिवालय भत्ता वही मिलेगा, ग्रॉस सैलरी आपकी 70,200, 4,000 वहां बन रहा था 74,000 के अप्रोक्स, यहां 70,000 वही 4,000 का मैंने जो कहा अंतर आपका मिलेगा। बाकी आपकी एनपीएस और बेसिक कटौती जो हो जाती है 6,300 रुपया हो जाता है, और इंश्योरेंस 210 रुपया कट जाता है। इन हैंड आपको अगर सैलरी बात किया जाए 64,000 मतलब 63,672 आपको सैलरी मिलेगी एज ए एआरओ आप जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर इनके हम कार्य के बारे में बता दें तो ऑलमोस्ट आप जान ही गए कि जितना कार्य आपको अगर हम बात करें जो समीक्षा अधिकारी करते हैं उनके हेल्प में जो टाइपिंग, इसीलिए आपको इसमें टाइपिंग ली जाती है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है एआरओ के लिए, एआरओ के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट जो आपका अभी शासन के द्वारा निकाला गया है, ओ लेवल इक्विवेलेंट कई सारे हैं, बीटेक हैं, बीसीए हैं, एमसीए हैं, और भी डिप्लोमा एक साल के जो एक तरह से बोला जाए यूजीसी से या एआईसीटीसी अप्रूव्ड या नीलेट अप्रूव्ड जिन्होंने किया है वो आपके इक्विवेलेंट माने गए हैं एक साल के। उसके बाद से इसमें स्किल टेस्ट में एक हिंदी टाइपिंग मानता है 25 वर्ड पर मिनट का, एज आपकी उसमें भी यही है सेम है। इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर प्री प्लस मेंस के अनुसार होता है, प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और मेंस आपका जो होता है मेंस में सेम होता है, प्रोसीजर सेम है, पेपर आपको सेम देना, कोई अलग से पेपर नहीं देना, बस इसमें एक तीसरा स्टेप टाइपिंग का हो जाता है वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो मेरिट आपकी मेंस के बेस पर ही बनती है और इसमें भी पोस्टिंग आपकी इसी के अकॉर्डिंग होती है, जैसा आपका जहां जहां पद होगा, जैसे सचिवालय में ज्यादा पद है तो सचिवालय में होगा, लोक सेवा आयोग में है तो लोक सेवा आयोग में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में दोनों एक सेम आएगा ना, कि जैसे सबसे पहले मान लो आप एआरओ बनते हो तो एआरओ से आरओ बनोगे, अगर आप डायरेक्ट आरओ ज्वाइन कर लिए, आप यहां पे समीक्षा अधिकारी ज्वाइन कर लिए तो आप सेक्शन ऑफिसर बनोगे, यहां से यहां सेक्शन ऑफिसर बनने में थोड़ा समय लग जाता है, 7-8 साल तक लग जाता है, 8-10 साल तक लग जाता है, यहां पे ज्यादा समय लगता है समीक्षा, यहां पर अगर हम बात करें यहां से यहां सेक्शन ऑफिसर बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है, एआरओ से आरओ बनने में आपको ऑलमोस्ट 3-5 साल लग जाता है, और डिपेंड करता है आगे कौन सा वैकेंसी पोस्ट खाली है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट भर्ती भी होती है और कुछ इनडायरेक्ट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन ऑफिसर आपका, उसके बाद से प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर से तो अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, ये देखिए आपका ग्रेड पे है बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हुए, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे, तो ये आपके 8900 आपका ग्रेड पे तक आप जाते हो, लेवल 13A तक जाते हो, ठीक है। और यहां पर दिया कितने कितने साल में, सबसे ज्यादा यहीं पर समय लगता है जब आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद से 3-5 वही आपका मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल में आपका प्रमोशन होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रमोशन चार्ट है, आप एज ए आरओ ज्वाइन करते हो तो आरओ बनोगे, फिर सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी, फिर ज्वाइन, फिर स्पेशल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आरओ बनते हो तो एक उधर छोड़ दो, इधर से आप पूरा फॉलो करते आ जाओगे। वर्किंग क्या होती है एआरओ की, तो एआरओ की वर्किंग आपको मैंने पहले ही बता दिया कि समीक्षा अधिकारी की सहायता करना, जैसे कंप्यूटराइज जितने वर्क होंगे, जो भी आपको मैंने कहा कि नोटिंग की जाएगी, जो टिप्पणी की जाएगी समीक्षा अधिकारी के द्वारा, जो एक शासकीय पत्र तैयार किया जाएगा वो आपको ही टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का कार्य भी है, ईमेल वर्क जैसे मैंने कहा ई ऑफिस वाला है ना, तो आपको बता दिया जाएगा कंटेंट ये है, आपको ईमेल करना है फला फला विभाग को, रजिस्टर मेंटेनेंस ये सब कार्य जो है एआरओ का होता है, ठीक है। तो दोनों लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बेनिफिट क्या है ये भी ध्यान लीजिए, सैटरडे संडे आपका ऑफ मिलता है, आपको 5 दिन की वर्किंग है, आपको कैपिटल में पोस्टिंग मिलती है, पावरफुल पोस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। होम की फैसिलिटी भी मिलती है, मैंने कहा कि जब मैक्सिमम घर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय में आप जितने भी हों उन सभी को मिल जाए, जो ज़्यादा प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि जो फैमिली के साथ आता है उनको यहाँ पर जो है होम दिया जाता है, बाकी कोई जो अगर सिंगल है तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई बाहर ही रह लो, जब डबल होना तो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरा वेल मेंटेन ऑफिस आपका रहता है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल हो गया कि कब आपको जाना है, टाइमिंग भी आपका अच्छा खासा टाइमिंग है, और 2 दिन की सबसे बड़ी बात है आपको छुट्टी मिलती है। हाँ, जब कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क आ जाता है तब आपको बुलाया भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आपको छुट्टी है तो नहीं बुलाया जाएगा, कभी जब अर्जेंट वर्क आ जाता है तो आपको बुलाया भी जाता है।
तो ये आपके पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल हुई। तो अगर आपको तैयारी करना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, मात्र 699 में पूरा प्री टारगेट बैच आपको प्री के लिए, ऑलमोस्ट देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है, तो और थ्री मंथ तो आपको मिला ही मिला है, तीन मंथ आराम से आपको, और सिर्फ क्योंकि हिंदी में आपको कोई ग्रामर पढ़ना नहीं है, जनरल हिंदी पढ़ना, वो भी शब्दावली वाली, विलोम परिवाची, तत्सम, तद्भव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इससे आप स्कोर कर सकते हैं, 60 क्वेश्चन है और बाकी जीएस का है 140 क्वेश्चन। अब इस 140 में आप यहाँ 60 में बच्चे 55 प्लस तक मारते हैं और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप यहाँ 90 प्लस मारिए, ठीक है, 90 प्लस अगर यहाँ पर ले आते हो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप एक बार प्री क्वालिफाई कर गए तो मेंस में एकदम आसान सा हो जाता है, चाहे आरओ है या आरओ हो, फिर आपको बस मेहनत करना होता है आपके लेखन शैली पर कि आप कैसे लिखते हैं। तो जिसको भी कोर्स लेना है आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप कोर्स इनरोल कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।